हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस में क्या दिया है कि टू स्ट्रीम ऑफ फोटॉन पॉसेस द एनर्जी इक्वल टू ट्वाइस एंड 10 टाइम्स द वर्क फंक्शंस ऑफ मेटल्स आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस सक्सेसिवली द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन टू रिस्पेक्टिवली केसेस इज एक्स इज टू वाई देन वैल्यू ऑफ एक्स इज ओके। अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या है पे कि दो फोटोन से दोनों फोटोन की फ्रीक्वेंस दोनों फोटोन का एनर्जी मेंशन किया। फर्स्ट फोटोन की एनर्जी कितना दिया? अब बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ फर्स्ट फोटोन इज हाउ मच? 2 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ सेकेंड फोटोन, ओके, एनर्जी ऑफ सेकेंड फोटोन इज 10 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन। तो बताओ वेलोसिटी 1 बाय वेलोसिटी 2 का रेशियो, रेशियो दे के रखा है एक्स इज टू वाई, मुझे एक्स बताना है। तो इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है? तो सिंपल सा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। हम क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में ये दोनों केसेस पुट कर देते हैं, पुट करके दो इक्वेशन आएगा, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में रिपीट क्वेश्चन है। यस, तो यहाँ से मुझे पता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कितना होता है काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी, ओके, एकदम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ हाउ मच? तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स माइनस वर्क फंक्शन, मेरे पास ये जनरल इक्वेशन तैयार हो गया। चलो 1 बाय 1 ये दोनों केसेस इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना आएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 2 टाइम वर्क फंक्शन माइनस, ओके, फर्स्ट टाइम एनर्जी फोटोन कितना है 2 टाइम वर्क फंक्शन, सब्स्टिट्यूट किया कितना आ गया हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, सेकेंड टाइम एनर्जी फोटोन कितना है 10 टाइम्स, तो यहाँ लिखता हूँ मैं आपके पास इज 1 बाय 2 कितना आएगा एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स, सॉरी 10 को कट कर दिया मैंने, ओके, दैट इज अ 10 टाइम वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन दैट इज 1 बाय 2 एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम वर्क फंक्शन दैट इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं कितना आएगा, इट इज 1 बाय 2 एम वी वन स्क्वायर डिवाइड बाय 1 बाय 2 एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइड बाय 9 टाइम वर्क फंक्शन कैंसल इज अ वी वन स्क्वायर डिवाइड बाय वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 9, तो आई थिंक वी वन बाय वी टू इज इक्वल टू 1 बाय 3। हमें रेशो क्या चाहिए था यहाँ पे, रेशो ने दिया है एक्स इज टू वाई, तो आपको एक्स बताना है, तो बोल सकते हैं कि मेरे पास देयरफॉर वी कैन से एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 1 बाय 3, देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आएगा, क्लियर सिंपल। तो जब भी ऐसे दो केसेस वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करो, फोटो इलेक्ट्रिक में दोनों केसेस सब्स्टिट्यूट करो, दोनों को डिवाइड करो, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।